बिसम मेरा नाम सैयद वक़ार है आज हम आपका ए एस एफ इंस्पेक्टर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो मैथ और इंग्लिश का पोर्शन था उसके एम सी क्यूज़ को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एम सी क्यूज पिपोजिशन से रिलेटेड है द विल अराइव फिल इन पिशावर एयरपोर्ट एट नाइन ओ क्लॉक जहाँ कहीं भी एयरपोर्ट और ये साइट्स यूज होती हैं वहाँ पर बेसिकली पीपोजीशन लगता होता है एट तो इसका जो सही ऑप्शन था वो दैट वॉज ऑप्शन चार्ली एट द एयरपोर्ट तो पिशावर एट दिशावर एयरपोर्ट सेम हो जाएगा तो चार्ली इसका क्या था ठीक जवाब था आई एम टोटली एग्री बलैक्स यूर प्रपोजल तो इसका भी चार्ली ऑप्शन ठीक था एग्री विद पर्सन किसी शख्स के साथ एग्री करना हो तो हम विद लगाते हैं और अगर प्रपोजल वगैरह इस तरह की चीजें हों तो हम उसके लिए क्या करते हैं टू यूज करते हैं इट हैज बीन रेनिंग ऑप्शन अल्फा फॉर एन आर पहली बात यह कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है मुद्दत बताई गई है एक घंटा तो उसके साथ फार यूज़ होता है पहली बात दूसरी बात यहाँ पर सिंस और फार फ्राम क्यों नहीं यूज़ कर सकते बेसिकली पीछे हैज बीन रेनिंग आया है ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है जब कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस होता है उसमें दो चीज़ें यूज होती हैं सिंस या फार अगर टाइम की मुद्दत जैसे सुबह शाम बताई गई हो और एग्जैक्ट टाइम ना पता हो तो हम सिंस का यूज़ करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम जैसे एक घंटा दो घंटे टाइम का तयन कर दिया गया हो तो हम फार का यूज़ करते हैं नेक्स्ट है माई मदर फेलिंग द्लैक्स एग्स फॉर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग इसका मतलब है ये उसकी रूटीन को जाहिर करता है डेली बेसिस पे और अगर ये डेली बेसिस पे उसकी रूटीन को जाहिर करता है तो यहाँ पर प्रेजेंट इन डेफिनेट लगना चाहिए और प्रेजेंट एट इंडेफिनट चार्ली ऑप्शन सी जो है वो बॉयल्स लगेगा अब मैं बॉयल क्यों नहीं लगा रहा बेसिकली माई मदर जो है मेरे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब्स भी क्या लगता है सिंगुलर बॉयल्स लगेगा जैसे ही ही के साथ सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट इन डेफिनेट में आप गोज लगाते हो गो नहीं एस आई एस का क्या होता है इजाफा होता है तो यहाँ पर भी क्या आना था बेसिकली बॉयल्स आना था नेक्स्ट है नूर फातिमा फॉल्स ऑप्शन बी The horse, fall the horse होता है। है है ये ये में से से एक बात। दूसरी बात दूसरी कि from use नहीं हो सकता। जैसे छत गिरना तो from होगा, लेकिन ये से गिरना है है। तो इसके लिए fall off use होता है। उसके बाद क्वेश्चन जो है ना बेसिकली हमारे पास था बोल्डली अल्फा क्यों बोल्डली जो है वो हमारे पास एडवर्ब है और एडवर्ब ऐसी चीज को कहा जाता है ऐसे लफ्स को कहा जाता है जो वर्ब को किसी एडजेक्टिव को अपने जैसे एडवर्ब को क्वालिफाई करे यहाँ पर अगर मैं बोर्डली लगाता हूँ तो ये बोर्डली किसको को क्वालिफाई करता है प्लेट को करता है दैट मीन्स कि प्लेट के बाद बोर्डली का लगाना ठीक ऑप्शन था अल्फा ऑप्शन इसका क्या बनेगा ठीक बनेगा अब हम बोल्ड और गुड नहीं लगा सकते ये बेसिकली हमारे पास क्या है एजेक्टिव हैं। ये प्लेट को क्वालिफाई करेंगे तो ये एडवर्ब्स के तौर पर काम करते तो बोल्डली जो है ना हमारा सही ऑप्शन था नेक्स्ट मूव करते हैं हम चूज द करेक्ट सेंटेंस उसने कहा अब सबसे पहले देखिए ही डोंट ही के साथ डोंट यूज नहीं होता अब ही डज नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स ये ठीक हो सकता है ही के साथ डज नॉट हुआ है आगे सेंटेंस सारा ठीक है ही डज नॉट लाइकिंग टू ईट ये भी इस नहीं हो सकता डज नॉट के बाद जो है ना लाइक फर्स्ट फॉर्म जो है ना वो यूज होगी तो ऑप्शन बीटा जो है आपके पास क्या था इसका ठीक जवाब था अगेन ये करेक्ट सेंटेंस चूज करना है हमने आठवां सवाल है द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क अर्ली टू डे हैज फिनिश्ड देयर होमवर्क अर्ली टू डे द

पहला पहला पहलाटेंस ये जहां पर ई की गलती है ए आना है ये ऑप्शन नहीं हो सकता इम्बेसमेंट के अंदर डबल आता होता है इस ये भी गलत था यू एस होता है तो ये भी गलत था तो इसका जो आपके पास सही जवाब था वो नानदीज था ये तीनों स्पेलिंग ठीक नहीं थे उसके बाद है कैप्रीशियस कैप्रिशियस का मतलब होता है ऐसा शख्स जिसके मूड स्विंग्स ना तेजी से चेंज होते हैं तो उसका जो है ना इम्पीचुअस ये भी उसी शख्स को कहा जाता है जिसके मूड सवेंग या जिसका मूड uh, जो है ना वो इम्प्रॉपर्ली uh, क्या हो रहा होता है चेंज हो रहा होता है तो कैप्रीचियस का जो जवाब था वो हमारे पास बेसिकली हमने सेनोनम बताना था तो अल्फा इसका ठीक ऑप्शन था सिनोनम ऑफ प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव का मतलब होता है यूजफुल मुफीद अच्छा अब अनप्रॉफिटेबल भी नहीं हो सकता था डिजर्विंग भी नहीं हो सकता था लिकोरेटिव इसका मतलब भी प्रोडक्टिव होता है यूजफुल होता है तो इसका ऑप्शन भी आपके पास अल्फा ठीक था नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अच्छा उसके बाद है एंटो ऑफ एमबीवलेंट एम्बी का मतलब होता है अनक्लियर जिसको समझना नामुमकिन हो एमबी गोस का मतलब भी यही होता है तो तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो था, जो था, मुखालिफ मतलब था, मुतजाद था, that basically clear. तो का का क्या बनेगा? Clear, आपका option, चार्ली जो है, वो ठीक आंसर था इसका एक्विसेंट. एक्विसेंट का मतलब होता है तस्लीम करने वाला मान जाने वाला बात को मतलब कि जिसको हम कहते हैं तो इसका जो एंटोनाइम बनेगा वो आपके पास बनेगा डिफाइंड मुखालफत करने वाला चीज़ों को चैलेंज करने वाला क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ईडीएम डी सी आई टू आई मीन सी आई टू आई का मतलब होता है हम ख्याल होना जिन लोगों की राय एक हो जाए हम उनके लिए ईडीएम यूज करते हैं सी आई टू आई तो इसका मतलब होता है एग्रीइंग विद समवन तो ऑप्शन अल्फा आपके पास ठीक था कि किसी के साथ जो है ना बेसिकली क्या कर लेना आ, अपनी राय कायम कर लेना उसके साथ रजामंद हो जाना

हमने चेंज इन दि के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है तो हमने शी यूज करना था पीछे डू है प्रेजेंट तो हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे इज फिर लगाएंगे शी क्योंकि सवाल ही है डू की जगह इज यूज करेंगे हर की जगह क्या करेंगे शी ये जो लाइक फर्स्ट फॉर्म है इसको थर्ड में कन्वर्ट करेंगे इज शी लाइक फिर आप सबको पता है कि बाय का वर्ड यूज करते हैं चेंज ऑफ वॉइस में यू की जगह क्या लगाएंगे यू की ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू होती है सवाल सवालिया निशान आप देखते हैं ऐसा सेंटेंस कहां पर है डू ये तो हो नहीं सकता डज वाला भी नहीं हो सकता इज शी लाइक बाय यू तो इसका मतलब है हमारा जो ऑप्शन चार्ली था वो हमारे पास क्या था इसका सही जवाब था नेक्स्ट जो है हमारे पास आई डिड नॉट विजिट हिम ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है इसको भी चेंज ऑफ वॉइस करना है अब हिम ही को हमने क्या करना है हिम को पहले सब्जेक्ट बनाना है ही का जो सब्जेक्ट हेम का जो सब्जेक्ट बनेगा वो ही बनेगा डिड की जगह वर्स यूज करेंगे ही वॉज आगे नॉट है तो नॉट लगाएंगे ही वॉज नॉट अब विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड आएगा फिर बाय यूज करेंगे सब्जेक्ट आई है आई की जगह हम क्या यूज करेंगे नी नी इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म है

यहाँ पर इन्वर्टेड का को खत्म करेंगे तो दैट लगाएंगे आए जो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है तो दैट मीन कि आए की जगह हम क्या यूज करेंगे शी का वर्ड यूज करेंगे एम है इज आर एम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं वाज सिक का सिक वैसे आएगा दैट मीन के बनेगा ही सेट दैट शी वॉज सिक शी सेट दैट शी वॉज सिक She said that she is. ये तो हो नहीं सकता शी सेट दैट नहीं है ये भी नहीं हो सकता तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन अल्फा ठीक था इंग्लिश का आखिरी क्वेश्चन है ही सेट टू मी यू कैन गो नाउ अब देखिए इसको कन्वर्ट करता हूं मैं नरेशन के अंदर ही सेट को मैं कर देता हूँ ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया आगे मैं लगाऊंगा दैट अब यहां पर यू है सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होता है ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर मी यूज हुआ है तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे I करेंगे 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 पर क्या यूज कैन को कन्वर्ट कुड के अंदर गो वैसे रहेगा आई कुड गो क्योंकि कुड के बाद कैन के बाद मोडाइल वर्ब्स हैं फर्स्ट फॉर्म लगती है आई कुड गो नाउ को कन्वर्ट करते होते हैं देन अब देखते हैं ऐसा कोई सेंटेंस है इसमें ही टोल्ड मी देट यू यू तो यूज नहीं होना मैंने कहा यू कन्वर्ट होना है मी मी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट जो है ना इसकी आई फॉर्म यूज होनी है ही टोल्ड मी ही तो हो ही नहीं सकता देन ही टोल्ड मी दैट आई कुड गो देन तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन जो चार्ली है वो बेसिकली क्या था इसका ठीक जवाब था ये बीस सवाल थे जो इंग्लिश में से थे जिनको हमने भी डिस्कस किया है नेक्स्ट जो है ना मैथ पे मूव करते हैं अच्छा अब पहला सवाल है 21, 120 56 exactly हमें वो बड़े से बड़ा पैमाना बताना है जो दो कंटेनर्स के अंदर ये क्वांटिटी है इसकी पैमाइश कर सके बड़े का बड़ा बड़े से बड़ा और कॉमन होना चाहिए एक ही पैमाना यूज होगा तो इसका मतलब हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे बड़ा के बड़े पैमाने की बात कर रहा हूं सबसे बड़ा पैमाना तो हम 120 और 56 इसका ना बेसिकली क्या लेंगे एच लेंगे वन ट्वेंटी है तो टू सिक्सटी टू थर्टी टू फिफ्टीन फिर थ्री पे आ जाऊंगा थ्री फाइव तो एंड पे फाइव आएगा टू है टू टूर फोर टू एटीन टू फोर टू 2 मल्टीप्लाई बाई फाइव हमारे पास जो फिफ्टी सिक्स है उसके जो फैक्टर्स है टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई सेवन अब जब हम एस निकालते होते हैं वो हम कॉमन को देखते होते हैं। एक टू कॉमन है फिर दूसरा टू कॉमन है फिर तीसरा टू कॉमन है अब इनमें से कोई कॉमन नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे तो टू फोर फोर टू क्या आ जाएगा एट लीटर्स यानी कि एट लीटर का कोई पैमाना होगा तो वो सबसे बड़ा पैमाना इससे बड़ा कोई पैमाना नहीं हो सकता जो इन दोनों चीजों के लिए क्या हो रहा हो इस्तेमाल हो रहा हो अब उसने जब हमें ऑप्शन दिए तो उसने एक और नई चीज डाल दी कि मुझे जो है ना वो बेसिकली किसमें बताएं सीसी के अंदर बताएं कितने सीसी का पैमाना होना चाहिए तो एक लीटर के अंदर जो है ना सीसी सीसी होते होते हैं हैं अब अगर सीसी होते हैं, तो आठ को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा एट थाउजेंड सीसी यानी कि एट थाउजेंड सीसी या, या, या आठ लीटर का जो पैमाना होगा वो पैमाना क्या करेगा बेसिकली 120 लीटर और 56 लीटर के दोनों चीजों को परमैश करने के लिए इस्तेमाल होगा मैंने कॉमन कहा तो इस वजह से मैंने इनका एचसीएफ लिया अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है 22 फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। उसने तीन नंबर दिए हैं 60 रेशियो 48 प्रपोर्शन 30 और कहता है कि चौथी प्रपोर्शन बताएं मैंने उसको x فرض कर दिया तो दैट मींस के 60 इसको रेशो को ओवर 48 कर सकता हूं प्रपोर्शन को क्योंकि इक्वेलिटी बिटवीन टू रेशो इज कॉल्ड प्रपोर्शन इज इक्वल टू उसके बाद 30 डिवाइडेड बाई मैं क्या करूंगा एक्स करूंगा चौथी प्रपोर्शन मालूम करनी थी ना तो हम इसको क्या करेंगे बेसिकली आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई थर्टी मैं दोनों तरफ सिक्सटी को डिवाइड करता हूँ ताकि इसको ख़त्म कर सकूँ इसको भी सिक्सटी से करूँगा सिक्सटी से सिक्सटी कैंसल जीरो से जीरो कैंसल थ्री वन जार थ्री थ्री टू ज़ार क्या आएगा सिक्स आएगा अब देखिएगा टू वन ज़ार टू फोटी एट है टू टू ज़ार फोर एट रह गया है टू फोर ज़ार एट तो हमारे पास जो चौथी रेशो होगी प्रपोर्शन होगी वो ट्वेंटी फोर होगी तो हम देखते हैं इसमें कहीं ट्वेंटी फोर है जी हमारे पास जो ऑप्शन बी है वहां पर बेसिकली क्या दिया गया है 24 दिया गया है तो ऑप्शन बीटा जो है हमारा क्या था ठीक जवाब था नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि द एवरेज ऑफ एम नंबर्स इज n स्क्वायर एंड दैट ऑफ n नंबर्स इज m स्क्वायर फाइंड द एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर्स अब आप सबको पता है कि जो एवरेज का फार्मूला है वो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर

अब एक पोर्शन कंप्लीट हो गया फिर वो कहता है एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज एम स्क्र फिर मैं वही फॉर्मूला देखता हूं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन अब हमें वो कह रहा है कि एवरेज जो है वो एम स्क्र है मैं एवरेज की जगह क्या लिखूंगा एम स्क्र सिग्मा एक्स एंड दैट ऑफ एन नंबर्स नंबर्स की तादाद क्या है एन वैसे तो फार्मूले वाला था अब ये वो वाला है अब n यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आएगा m स्क्यूअर n इज़ इक्वल टू सिग्मा x कहता है कि एवरेज ऑफ़ m प्लस n नंबर्स की क्या बनेगी मतलब कि m और n नंबर्स को हम जमा करें तो उनकी हमारे पास बेसिकली जो है वो एवरेज क्या निकलेगी x बार हमने एवरेज मालूम करनी है सिग्मा एक्स ओवर नंबर अब हमारे पास नंबर वही एम प्लस एन है और उनकी एवरेज निकालनी है पहली वैल्यू जो है जो हमारे पास कौन से नंबर थे एम नंबर उनकी एवरेज हमारे पास समेशन कितनी है एम प्लस एन स्केयर तो मैं यहां पर लिखता हूं एम एन स्क्वायर दूसरा नंबर जो है हमारे पास वो एन नंबर है उनकी है एम स्केयर इंटू एन

मैं चाहता हूं कि इस यहां पर ऊपर भी एम एन बचे ताकि मैं इसको कैंसिल कर सकूं तो मैं दोनों में देख रहा हूँ एन बी है N भी है M भी है और N भी है। तो मैं मैं और और को को कॉमन कॉमन ले लेता हूं जब मैं MN और, और N को लूंगा तो यहां पर मेरे पास एक एम तो बाहर आ गया है एक एन बी बाहर आ गया एन स्क्वायर है तो मैं अकेला एन लिखूंगा जब मैं इसको एम एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास जवाब यही आएगा एम एन स्केर आएगा तो मैंने अकेला एन लिख दिया प्लस अब देखिए एम बार आया हुआ एक एम लिखेंगे बार आया हुआ है तो एन नहीं लिखेंगे नीचे जो है क्या आ जाएगा चाहे ये ये लिखा लिखा हो हो या M plus N बात एक ही है तो इसके साथ ये वाली वैल्यू कट जाएगी जब ये कट जाएगी तो हमारे पास एक अकेली वैल्यू रह गई है एम एन जो हमने क्या ली थी कॉमन ली थी तो उसकी एवरेज किसके बराबर आती है एम एन के बराबर आती है अब हम देखते हैं यहां पर कोई जवाब है एम एन एम माइनस एन ये नहीं हो सकता एम प्लस एन ये नहीं हो सकता तो ऑप्शन बीटा जो है हमारे पास क्या है एम एन तो एम एन जो होगा इसका क्या होगा राइट right आंसर होगा सिर्फ उसकी जो अबारा दी गई है, आपने उसको फॉलो करना है पहले उसने कहा कि एम नंबर की एवरेज इतनी है आपने सिग्मा एक्स ऑफ एम नंबर चलो मैं इसको नाम भी दे देता हूं एम नंबर्स की आपने समेशन निकाल ली फिर उसने कहा कि नंबर्स की सिग्मा इन की निकालें। तो उन दोनों को आपने जमा करना है प्लस एम प्लस एन लिखना है नंबर्स तो आपने सिंपली उसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आया एम एन आया नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अली इज यंगर जिया अब यहां पर मैं कहता हूं कि अली इज यंगर देन जिया बाई टेन ईयरस अगर मैं पहले यहीं तक पढ़ूं इसको तो मुझे पता है कि इसमें मुझे जिया की उम्र नहीं पता अगर जिया की उम्र पता हो तो अली उससे दस साल छोटा है है तो तो इसका मतलब जिया की उम्र नहीं पता तो मैं कहता हूं कि लेट जिया जो है उसकी एज एक्स है अगर जिया की एक्स एज एक्स है तो अली इज यंगर देन जिया अली जो है जिया से कितना है दस साल छोटा है जिया की जो भी उम्र होगी उसमें से मन दस को माइनस कर दूंगा अब वो कहता है कि साल पहले, ए बैक, मैं यहां पर कुछ भी नहीं लिखता यही लिखूंगा पांच साल पहले जिया की जो उम्र होगी वो क्या होगी x माइनस फाइव और जो अली साहब है उसकी एज होगी x माइनस टेन माइनस फाइव तो x माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस फिफ्टीन डन मैंने कुछ भी नहीं किया उनकी उम्र में से सिर्फ पांच साल को माइनस किया है कि जो जिया है उसकी यहां तक हल कर लिया इसका तीसरा क्वेश्चन लिखे देर इन रेशो वन रेशो टू पांच साल पहले उनकी एजेस जो थी एजेस में आपने तरतीब का ख्याल रखना है अली पहले है बाद में है तो आपने रेशो भी यही रखनी है अली रेशो जिया पांच साल पहले अली और रेशो के दरमियान एज के दरमियान जो रेशो थी वो क्या इज इक्वल टू वन रेशो टू मैं पार्ट वाइज सवाल को डिवाइड करता जा रहा हूं हल करता जा रहा हूं अब देखें अली की उम्र पांच साल पहले क्या थी सॉरी अली की उम्र ये है x माइनस फिफ्टीन फिर मैं डालता हूं रेशो और जिया की उम्र क्या थी x माइनस फाइव इज इक्वल टू वन रेशो टू मैं x माइनस फिफ्टीन रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ x माइनस फाइव इज इक्वल टू वन ओवर टू अब हमने कुछ भी नहीं करना इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जब टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इन टू एक्स माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई होगा तो वही जवाब आएगा x माइनस फाइव ये बनेगा टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स माइनस फिफ्टीन टू जार थर्टी Is equal to x minus 5. अब x को ले 2x minus x, 30 को इधर उधर ले जाएं, minus का है तो प्लस का होगा माइनस फाइव वैसे ठहरा रहेगा एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी पच्चीस उसने हमसे जिया की उम्र पूछी थी देखिए जिया को मैंने क्या फर्ज किया था एक्स उसी एक्स की उम्र कितनी निकली है 25 तो इसका मतलब है जिया की जो उम्र है वो 25 साल है तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन चार्ली है वो हमारे पास क्या है इसका सही जवाब है कि ऑप्शन चार्ली के मुताबिक जिया की उम्र क्या होगी 25 साल क्वेश्चन नंबर 25 इसमें वो कहता है कि उसने सिंपल जो है ना मैथमेटिक्स का सवाल दिया है कि प्लस कैसे करना है सबसे पहले उसने दिया हुआ है हमें फोर फिर वो कहता है कि 4.44 अब टेंथ वाली वैल्यू यहीं आएगी पॉइंट्स को मैं आगे लगाऊंगा आगे उसके डबल फोर है तो मैं डबल फोर लिखूंगा फिर वो कहता है 44.44 .44, एक फोर यहां आ जाएगा 44 वाला फोर यहां आएगा पॉइंट्स को मैं पॉइंट्स की जगह पे ही लिखूंगा और पॉइंट क्या है हमारे पास फोर फिर कहता है कि फोर देखिए मैं पॉइंट को वैसे लगाऊंगा जीरो आगे लिखूंगा और जो फोर है वो क्या लिखूंगा उसके बैक साइड पे लिखूंगा फिर है फोर फोर मतलब इस इशारिया से अब मैंने यहां पे लिखना है एक फोर दो फोर एंड थ्री फोर यहां पर इनके दरमियान कुछ नहीं है यहां पर इसके दरमियान भी कुछ नहीं है इधर भी कुछ नहीं है इधर भी कुछ नहीं है अब मैं इनको ऐड करता हूं मैंने सिर्फ ये पॉइंट वाली जगह जो है ना सेम जगह पे रखनी है बाकी सिंपल मैं इसको जमा करूंगा फोर प्लस फोर क्या आ जाएगा एट फोर प्लस फोर क्या आ जाएगा एट ये जो इशारिया है डेसिमल है मैं इसको वहां पे लेके आऊँगा अब इनको जमा करते हैं फोर प्लस फोर एट प्लस फोर ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी टू कैरी कर लूंगा जब टू कैरी कर लिया फोर प्लस फोर एट प्लस टू टेन फिर मैं वन कैरी करूँगा फोर प्लस वन क्या आएगा फाइव पांच सौ इशारिया अठासी में देखता हूं मेरे सवाल में कहीं पे जवाब है जी तो ऑप्शन चार्ली जो है वो मेरा क्या है फाइव हंड्रेड पॉइंट एटी एट मेरा क्या होगा सही जवाब होगा तो ट्वेंटी फिफ्थ का क्या बनेगा मेरे पास ऑप्शन चार्ली बनेगा नेक्स्ट मूव करते हैं हम अच्छा वो कहता है कि जो मीन प्रपोर्शन बिटवीन सिक्सटी फोर एंड एटी वन क्या है पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है मीन मीन प्रोपोर्शन 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 इज़ इक्वल ए मल्टीप्लाई बी ये इसका है कि जब भी किसी चीज़ का लेना लेना होगा लेना होगा एवरेज तो हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका क्या ले लेते हैं ले लेते हैं अब हमारे पास दो वैल्यूज कौन सी हैं एटी वन ये अंडर रूट इन दोनों से ना कट जाएगा तो 8 by 9, तो आपका जवाब क्या आएगा 72. तो मैं देखता हूं मेरे option में कहीं पे 72 है? जी, तो ऑप्शन चार्ली जो है वो मेरे पास क्या होगा ठीक जवाब होगा सेवनटी टू अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो कहता है सिक्सटीन ए प्लस सिक्सटीन बी इज इक्वल टू फोर्टी फाइव एवरेज ऑफ ए प्लस बी एवरेज ऑफ ए प्लस बी का मतलब यह है कि एवरेज का फॉर्मूला हमने अभी लिखा था एक्स sigma टू over एन तो इसका मतलब ए प्लस बी दो वैल्यूज हैं हम इनको डिवाइड करेंगे किसके ऊपर दो के ऊपर अब पहले ए और बी की वैल्यू निकालते हैं उसने हमें ये दिया हुआ था सिक्सटीन ए प्लस सिक्सटीन बी इज इक्वल टू फोर्टी एट अब अगर उसने तो इस तरह से दे दिया तो मुझे पता है यहां भी सिक्सटीन है यहां भी सिक्सटीन है तो मैं सिक्सटीन को कॉमन ले लेता हूं जब कॉमन ले लूंगा तो ये बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा ए प्लस बी के साथ इसका मतलब यही होता है कि से 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 भी भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर कर रहा है, कर रहा है है इस वजह मैंने ये कॉमन लिया इज इक्वल टू क्या आएगा फोर्टी एटीन से मैंने जान छुड़ानी है तो मैं दोनों तरफ सिक्सटीन को क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ ये कैंसिल हो जाएगा सिक्सटीन थ्री क्या होता है फोर्टी फाइव तो हमारे पास ए प्लस बी का जवाब क्या आया है थ्री अब कुछ भी नहीं करना इस एवरेज वाली वैल्यू में ऐड करना है ए प्लस बी की जगह थ्री लिखेंगे डिवाइडेड बाई आप टू करेंगे तो टू वन हजार टू आएगा उसके बाद जो है ना माइनस हो जाएगा अकेला एक बचेगा वो टेन बन जाएगा तो टू फाइव हजार टेन तो वन पॉइंट फाइव देखें थ्री को मैं टू पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ टू वन हजार टू थ्री में से टू को माइनस करेंगे तो वन आएगा टू वन पे डिवाइड नहीं होता यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे हमारे पास एक जीरो बढ़ जाएगा टू फाइव हजार क्या आएगा तो 1.5 मैं देखता हूं हमारे पास है जी ऑप्शन अल्फा जो है वो हमारे पास क्या बनता है इसका सही जवाब बनता है अच्छा उसके बाद है 28 अ मैन स्पेंड्स 3500 पर मंथ सेव्स 12.5% 12 1 12 ओवर 2% ऑफ हिज इनकम हिज मंथली इनकम इज वो महीने में कितने कमाता है और उसमें से वो 12% अपने पास क्या करता है सेव करता है और फिर वो कितने खर्च करता है पैंतीस शुरू करता हूं उसकी मंथली इनकम एक्स है देन? अब 3500 तो वो खर्च कर रहा बारह परसेंट बचा रहा है अब मैं कहता हूं कि एक्स इन बारह परसेंट को हमने इसमें से निकालना है माइनस टू परसेंट ऑफ एक्स यानी कि इसी रकम का बारह परसेंट वो सेव कर लेता है ये रकम अलहदा हो गई वो इज इक्वल किसकी होती है पैंतीस सौ पैंतीस सौ कोई भी है पांच सौ है हजार है दो हजार है हम उसमें से बारह परसेंट निकाल दें क्योंकि ये तो उसके पास सेविंग आ गया ना तो पैसे खर्च कितने कर रहा है वो पैंतीस सौ खर्च करता है इस रकम को मैंने अलहदा कर दिया जब मैं किया तो मैं इसको सिंपल कैलकुलेट करूंगा एक्स माइनस

अब इसका मैं एल्सियम लेता हूं मेरे पास आठ आएगा क्योंकि तो एक्स के नीचे कुछ नहीं है 1 और 8 का 8 बनेगा तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, करूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो वन वन को एक्स से मल्टीप्लाई करू एक्स इज इक्वल टू पैंतीस आठ में से एक्स गया सात एक्स ये आठ डिवाइड हो रहा था उधर जाकर क्या होगा पैंतीस सौ मल्टीप्लाई आठ मैं आठ को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा दोनों तरफ सेवन को पहले डिवाइड करता हूं ताकि में छोटी हो जाए मैं हाथ से कैलकुलेट कर सकूं सेवन फाइव हज़ार थर्टी फाइव आता है दो जीरो मैं वैसे लगा दूंगा तो पाँच सौ बना आठ को पाँच सौ से मल्टीप्लाई करूंगा एट फाइव हज़ार फोर्टी दो ज़ीरो वैसे लगाऊंगा चार हजार इसका मतलब है चार हजार में से बारह परसेंट उसका निकाल दें जो उसने बचत की थी डन और पैसे खर्च कितने किए थे पैंतीस सौ उस किसी मैंने इक्वेशन बनाई थी तो आपका जो जवाब है यहाँ पर ऑप्शन चार ली चार हजार इसका क्या था राइट आंसर था नेक्स्ट जो है वो इजी सवाल है वो कहता है कि 12.1 ओवर 19.8 अब पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए हम डेसिमल से डेसिमल क्रॉस कर सकते हैं अब कैसे कर सकते हैं 12.1 का मतलब है 12.1 ओवर 10 डिवाइडेड बाय 19.8 का मतलब क्या है अगर हम इसका डेसिमल खत्म करते हैं ये वाला तो हमारे पास क्या बनेगा ये 19 198 ओवर 10 अब इसको देखिएगा 121 ओवर 10 इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये रकम उलट जाएगी 198 ओवर 10 है 198 ओवर 10 है तो ये 10 ओवर क्या बनेगा 198 तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 121 ओवर 998 तो देखिए डेसिमल में कलंस कैंसिल कर सकता हूँ ना उसके बाद मुझे पता है 11 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है 121 और अलेवन को जो है ना बेसिकली मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 18 से तो मेरा जवाब 198 आता है तो ऑप्शन बी जो था अलेवन ओवर 18 वो आपका क्या था सही जवाब था क्वेश्चन नंबर 30 वो कहता है कि इफ एन एल आई कंटेन्स कॉपर प्लस सिल्वर इन रेशो थ्री रेशो सेवन देन दी परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ सिल्वर इसके अंदर सिल्वर कितने परसेंट मैं कहता हूं कोई भी एलाय है वो जो एलाय है वो हंड्रेड के बराबर है किसके बराबर है हंड्रेड के बराबर है और कॉपर रेशो जो सिल्वर है वो थ्री रेशो सेवन है मैं लेट फर्ज करता हूं कि कॉपर की कंसंट्रेशन जो है अब मैं इसको रेशो को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं एलाय के अंदर वो थ्री एक्स है जो हमारे पास सिल्वर है उसकी कंसंट्रेशन सेवन एक्स है अब ये रेश्यो नहीं रही उनकी अमाउंट बन गई हमें पता है कि कॉपर प्लस सिल्वर मिलकर 100 के बराबर है डन तो कॉपर जो है वो 3x है सिल्वर जो है वो क्या है 7x है इज इक्वल टू 100 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 100 दोनों तरफ मैं 10 को क्या करूंगा डिवाइड करूंगा जीरो से जीरो कैंसिल तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 10 अगर x 10 है उसने मुझसे क्या पूछा है सिल्वर के बारे में सिल्वर सेवन एक्स था सेवन मल्टीप्लाई बाई टेन तो हमारे पास सेवनटी परसेंट हंड्रेड में से क्या है बेसिकली सिल्वर है तो आपका जो ऑप्शन बीटा है ये इसका क्या सही जवाब बनेगा कि सेवनटी परसेंट उसके अंदर क्या था सिल्वर था वो है हमारे पास थर्टी वन जिसमें 18, अब मैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलूंगा कि पांच नंबर का मीन जो है यानी कि मीन का मतलब एवरेज वो एटीन है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज सिक्सटीन वन नंबर एक्सक्लूडेड का मतलब यह नंबर फोर हो गए हैं और उनका मीन सिक्सटीन है वो पूछता है कि एक्सक्लूडेड नंबर अब वही फॉर्मूला जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं बार ओवर एन। बार जो है वो हमारे पास मीन कितना है पहले एटीन सिग्मा एक्स हम मालूम कर लेते हैं नंबर्स कितने पांच मैं एटीन को फाइव से मल्टीप्लाई करता हूं तो सिगमा एक्स फाइव नंबर का निकल आएगा तो एटीन फाइव फाइव एटी फोर कैरी करूंगा तो इसका मतलब है है नंबर नंबर की जो समेशन है, वो पांच जमा किया जाए तो कितने बनते हैं नाइनटी अब फोर नंबर कह रहा है तो एक्स बार दोबारा लिखता हूं सिग्मा एक्स ओवर एन अब इसकी एवरेज सिक्सटीन है मीन सिग्मा एक्स फोर नंबर का निकालना है और नंबर कितने हैं फोर अब 16 मल्टीप्लाई बाई फोर इज इक्वल टू सिर ट्वेंटी करूंगा कितना है तो हम 90 में से अगर एक्सक्लूडेड नंबर निकल आएगा क्योंकि पांच नंबर का टोटल सम ये था इसमें से चार का जो टोटल सम है वो माइनस करेंगे तो पांचवा नंबर निकल आएगा 90 में से 64 को मैं माइनस करता हूं

बहुत सारे लड़के दोनों सब्जेक्ट भी रखेंगे बहुत सारे लड़के जो है ना सिर्फ इंग्लिश रखेंगे वो कहते हैं बहुत सारे हिंदी रखेंगे इफ इंग्लिश उनमें से 75 जो है इंग्लिश ऑफर करते हैं फोर्टी फाइव परसेंट क्या कर रहे हैं बेसिकली हिंदी तो हाउ मेनी ऑफर्ड बोथ सब्जेक्ट ये दोनों कितने लोगों ने ऑफर किए हैं तो पहले मैं जो है ना अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सेवेंटी फाइव परसेंट निकाल लेता हूं ऑफ इसी तरह से मैं फोर्टी फाइव परसेंट हंड्रेड ये मेरे पास हिंदी वाले निकल आएंगे ये वाले इंग्लिश वाले निकल आएंगे इन दोनों को हम जमा करेंगे जो बाकी छह सौ में को एक्सक्लूड करेंगे तो हमारे पास दोनों सब्जेक्ट्स के निकल आएंगे सेवनटी फाइव मल्टीप्लाई बाई पर जगह हंड्रेड ऑफ की जगह मल्टीप्लाई सिक्स हंड्रेड दो जीरो से दो जीरो कैंसल सिक्स फाइव हज़ार थर्टी थ्री कैरी करूंगा फोर्टी टू प्लस थ्री फोर्टी फाइव तो चार सौ पचास लोग वो हैं जिन्होंने अकेली इंग्लिश जो है ना ऑप्ट की हुई है फोर्टी फाइव परसेंट जो है वो कौन से हैं जिन्होंने हिंदी फोर्टी फाइव परसेंट की जगह वन ओवर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई सिक्स हंड्रेड दो जीरो से दो जीरो कैंसिल थर्टी थ्री कैरी करूंगा सिक्स फोर हजार ट्वेंटी फोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन टू तो 270 क्या है हिंदी वाले हैं इन दोनों को मैं जमा कर लेता हूं 600 प्लस 270 सेवनटी जीरो सेवन सॉरी हा सिक्स को नहीं करना बेसिकली हमारे पास क्या जवाब आया 450 प्लस 270 जीरो सेवन और फाइव जो है ना ट्वेल्व आ जाएगा वन कैरी हो जाएगा टू फोर प्लस टू प्लस सिक्स प्लस वन सेवन ट्वेंटी अब इनमें से ऐसे भी बच्चे हैं जो बेसिकली क्या कहते हैं जिनका कॉमन हो गया कॉमन का मतलब ये है कि 450 में वो बच्चा भी है जिसने इंग्लिश रखी हुई है इस 270 में भी वो बच्चा है जिसने इंग्लिश रखी हुई है 450 में वो बच्चा भी है जिसने हिंदी रखी हुई है 270 में वो बंदा भी है जिसने क्या रखी हुई है बेसिकली हमारे पास हिंदी रखी हुई है तो इस सेवन में से हम सिक्स को माइनस कर लेते हैं जीरो टू तो 120 जो है वो वो बच्चा है जिसमें इस 720 में क्या है उनके अंदर कॉमन सब्जेक्ट है इंग्लिश और उर्दू तो ये बेसिकली 120 जो है और चार्ली ऑप्शन ये हमारा क्या आएगा सही जवाब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर कंटेन 12 कॉपर हाउ मेनी के जी ऑफ मिक्सचर इज रिक्वायर्ड टू गेट सिक्सटी नाइन के जी कॉपर मिलाया जाए कोई भी मिक्सचर है उसके अंदर बारह कॉपर है वो कहता है कि हम मिक्सचर के अंदर कितना जो है ना बेसिकली किया जी मिक्स करें तो कॉपर की जो कंसंट्रेशन है वो 69 जी रहे उसमें अब देखें सेफर उस मिक्सचर के अंदर जो कॉपर है वो 12% है इस 12% का मतलब यह है कि 12% का होता तो है ओवर 100 परसेंट का मतलब ओवर 100 है ना मल्टीप्लाई बाय वन ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 100 का क्या होता है 12 ओवर 100 तो इसका मतलब यह हुआ कि हंड्रेड के जी में जो कॉपर है उसकी मिकदार बारह है यही बात हो रही है ना कि ट्वेल्व ओवर हंड्रेड का मतलब यह है कि सौ किलो है अगर सौ किलो में बारह के जी क्या होगा बेसिकली हमारे पास आ, हमारे पास क्या होगा कॉपर होगा अच्छा अगर बारह के जी वो कहता है हंड्रेड के जी में है तो एक के जी में कितना रह जाएगा तो हम इसे करेंगे हंड्रेड ओवर ट्वेल्व हम इसे क्या करेंगे हंड्रेड ओवर ट्वेल्व और कहता है कि हमने अगर इसका सिक्सटी नाइन बनाना है तो मल्टीप्लाई भी हम क्या कर देंगे सिक्सटी नाइन के जी कर देंगे क्या कर देंगे सिक्सटी नाइन कर देंगे अच्छा टू सिक्स हजार ट्वेल्व टू फिफ्टी हजार हंड्रेड उसके बाद मैं कहूंगा कि थ्री टू हजार सिक्स थ्री टूर सिक्स थ्री थ्री इजार नाइन टू वन झार टू टू ट्वेंटी फाइव ये जब हमारे पास बच गया है ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री मैंने सिर्फ इसको कैलकुलेट किया है बाई हैंड सॉरी ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी थ्री अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी थ्री फाइव थ्री इजार फिफ्टीन वन कैरी करूंगा थ्री टू इजार सिक्स प्लस वन सेवन फाइव टू इजार टेन वन कैरी करूंगा टू टू इजार फोर प्लस वन फाइव फाइव सेवन प्लस जीरो सेवन फाइव वैसे आ जाएगा यहां पर मैंने सिर्फ ये किया था हंड्रेड ओवर ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई स फाइव सेवनटी फाइव इसको दोबारा तो से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि कार्पन कापर जो है वो कहता है बारह परसेंट था बारह परसेंट का मतलब यह है कि सौ के जी में से बारह के जी सिंपल सी बात सौ के जी में से कितना है बारह के जी है अच्छा ये मैंने आपको सिर्फ समझाया अगर सौ के जी होगा टोटल तो उसमें बारह के जी क्या होगा कॉपर होगा

तदाद उनकी 100 थी। तदाद उनकी थी। कितनी थी हंड्रेड थी अब इनका समेशन निकाल लेते हैं थर्टी हंड्रेड डिवाइडी थ्री थाउजेंड के अंदर ये वाले आइटम्स जो थे ये रॉन्गली पुट, पुट होने का मतलब ये है थर्टी टू प्लस ट्वेल्व टू प्लस टू फोर थ्री प्लस वन फोर तो मैं थ्री थाउजेंड में से ये फोर्टी फोर को क्या कर देता हूं माइनस कर देता हूं जब मैं इसको माइनस करूंगा टेन में से फोर को माइनस करूं मेरे पास जवाब क्या आएगा सिक्स पीछे नाइन रह जाएगा नाइन में से फोर को माइनस करूं तो थ्री ये हमारे पास नाइन रह गया है उनतीस सौ सॉरी नाइन में से मैंने क्या किया है बेसिकली फोर को माइनस किया तो ये फिफ्टी सिक्स आएगा तो हमारे पास जो जवाब है 2956 जो है वो पीछे रह गया अब वो कहता है कि उसके अंदर ये वाले नंबरों की बजाय क्योंकि ये वाले नंबर ऐड करने थे हमने वो वाले नंबर ले लिए थे अब इनका सम कर लेता हूं मैं 23 प्लस 11 3 प्लस 1 4 2 प्लस 1 3 तो ये हमारे पास कितना बन रहा 34 इसी 34 को मैं इस 2956 में क्या कर देता हूं ऐड कर लेता हूं प्लस 4 10 हो जाएगा वन कैरी करूंगा 5 प्लस 3 8 हो जाएगा 9 वैसे आ जाएगा 2 वैसे आ जाएगा तो 2980 उसका सही फिगर था मैंने किया कुछ नहीं

ट्वेंटी नाइन टोटल रकमें कितनी है हंड्रेड तो आप हंड्रेड के ऊपर क्या कर लेते हो डिवाइड कर लेते हो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी ट्वेंटी नाइन टू नाइनटी एट के ऊपर टेन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट जवाब आएगा तो हम देखते हैं यहाँ पर कहीं पर ट्वेंटी पॉइंट एट आंसर है जी ट्वेंटी तो ऑप्शन चार्ली जो है वो हमारा क्या आएगा बेसिकली ठीक जवाब आएगा कि ट्वेंटी क्या है उसकी करेक्ट एवरेज है जो कि 30 जाके बनी थी बस करना कुछ भी नहीं है टोटल सम में से इन रकमों को निकालना है जो रकम हम भूले थे जो रकमें भूल गए थे उनको ऐड कर देना है टोटल हंड्रेड के ऊपर डिवाइड करना है आपका टोटल सम निकल आएगा अच्छा वो कहता है कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर मोर देन अ थर्ड नंबर दीस टू नंबर्स आर लेट कहता हूं थर्ड नंबर हंड्रेड था तो नंबर ए जो है वो उससे ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है यानी कि ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी ओवर हंड्रेड ऑफ हंड्रेड तो जवाब बीस आएगा इस बीस को उस हंड्रेड में जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा एक सौ बीस आएगा हमारे पास आंसर क्या आएगा 120. तो एक सौ बीस मतलब एक सौ बीस टाइम वो क्या है उससे ज्यादा है। दूसरा नंबर अगर पचास परसेंट है हंड्रेड का पचास परसेंट ले तो फिफ्टी फिफ्टी को हंड्रेड में एड करें तो क्या आ जाएगा वन फिफ्टी अब वो कहता है इन टू नंबर की जो रेशियो है वो मुझे बताए कितनी है यानी कि वन ट्वेंटी रेशियो वन फिफ्टी जीरो से जीरो कैंसल थ्री फाइव फिफ्टीन थ्री फोर जार ट्वेल्व जवाब क्या है फोर ओवर फाइव तो आपके पास जो रेशियो है वो फोर रेशियो फाइव आंसर बी जो है वो क्या होगा ठीक होगा मैंने पहला नंबर सौ फर्ज किया बीस परसेंट उसका निकाला और बीस को ऐड किया तो एक सौ बीस बना फिफ्टी परसेंट अगर हंड्रेड का निकालूंगा तो कोर्स पचास आएगा उस पचास को जब हंड्रेड में ऐड करूंगा तो वन फिफ्टी थर्ड नंबर हमने हंड्रेड लिया हुआ है ना अब वो कहता है थर्ड नंबर से ज्यादा है बीस परसेंट बीस परसेंट जो है ना उसका थर्ड नंबर का क्या बनता है ट्वेंटी तो ट्वेंटी थर्ड नंबर से मतलब ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है तो वन ट्वेंटी फिफ्टी परसेंट ज्यादा है तो प्लस वन फिफ्टी तो उनकी रेशियो निकाली वो मेरे पास फोर ओवर क्या आई फाइव आई अच्छा जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे चलते जाते हैं इनके ऊपर बार लग जाता होता है देन तो कहता है ये किसके बराबर है इसका जो सही ऑप्शन है वो थर्टी नाइन ओवर नाइनटी नाइन है इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है बेसिकली थर्टी नाइन ओवर नाइन नाइन है अब देखिएगा हमने जब इसको करेक्ट फ्रैक्शन के अंदर लेकर आना है मैं कहता हूं, हूं मतलब लेट आगे तो रिपीट हो रहा है मैं यहां पर इसको टेन एक्स लिखता हूं यानी कि दोनों तरफ टेन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जीरो पॉइंट थ्री नाइन मल्टीप्लाई बाई टेन तो ये मेरे पास हो जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो या जीरो को मैं चलो इरेज कर देता हूँ थ्री पॉइंट नाइन हो जाएगा मैं इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर रहा और से मल्टीप्लाई किया तो ये हंड्रेड एक्स मतलब कितना बन जाएगा हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू थर्टी नाइन क्या बन जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा बेसिकली मेरे पास थर्टी नाइन बनेगा क्योंकि इसके आगे पॉइंट थ्री नाइन था तो मैं यहां पर चलें थ्री नाइन भी लिख देता हूं तो थर्टी नाइन पॉइंट थ्री नाइन जो है ना वो मेरे पास बचा हुआ है तो इस टाइम मेरे पास दो इक्वेशने आई हुई है हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू थर्टी नाइन पॉइंट थ्री नाइन और दूसरी मेरे पास एक इक्वेशन एक है एक्स इज इक्वल टू जो मैंने पहले फर्ज किया था जीरो जीरो पॉइंट थ्री नाइन अब मैं इनमें से इनको माइनस कर लेता हूं 100 में से एक एक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 99 एक्स। अब 39.39 .39 में से .39 को माइनस करूंगा तो मेरे पास एक्सेक्ट 39 आएगा। मेरे पास क्या आएगा? एक्सेक्ट 39 आएगा। तो एक्स इज़ इक्वल टू 39 99 डिवाइड हो रहा है। उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो वही जवाब आ गया 39 ओवर 99 मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने فرض किया कि x इक्वल टू क्योंकि मैंने इसको फ्रैक्शन को जो ना खत्म करना था तो मैंने आ, या जो डेसिमल था उसको खत्म करना था तो x इक्वल टू 0.39 देन मेरे पास जो पूरी वैल्यू थी वो इस तरह से 0.3939 अब मैंने कहा मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करूं दोनों को तो 3.9 ऑफ कोर्स मैंने इसको जहां से रिपीट होना शुरू कर हो रही थी तो वहां से मुझे 100 पे मल्टीप्लाई करना पड़ा दोनों तरफ जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो उसमें क्या मेरे पास, 39 point, ये दो हिस्से आगे चला जाएगा थर्टी नाइन पॉइंट आया जब थर्टी थ्री नाइन आ गया तो मैंने पहली इक्वेशन को दूसरी में से माइनस किया मेरे पास आया नाइनटी नाइन एक्स इज इक्वल टू थर्टी तो 99 तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर क्या होगा डिवाइड होगा या इसका एक दूसरा तरीका भी होता है जब इस तरह की रिपीटिशन आ रही हो दुन? और दोबारा बार बार थ्री नाइन आ रहा है तो इसका मतलब थ्री नाइन के ऊपर बार आ जाता है जब ये बार आता है हम इसका जब इशारिया खत्म करते हैं थ्री नाइन ओवर जब इस बार को खत्म करेंगे जितने हिंद से इस बार के अंदर होते हैं वो बेसिकली किसके अंदर आ जाते हैं नाइन में कन्वर्ट होकर आप नीचे लिख देते हो ये डायरेक्ट मैथेड है आप इस डायरेक्ट मैथ से भी कर सकते हो थर्टी नाइन ओवर क्या आएगा नाइनटी नाइन तो आपका ऑप्शन चार्ली जो है ना वो सी बनेगा या अस, अगर रकम इस तरह से होती है जीरो पॉइंट टू थ्री नाइन फिर थ्री नाइन इसका मतलब है जीरो पॉइंट टू थ्री नाइन के ऊपर बार है अब दो उसके अंदर शामिल नहीं है तो फिर आप क्या करते हो इस बार वाली को वैसे लिखते हो थर्टी नाइन ये जो दो बचा हुआ है इसको क्या करते हो माइनस टू ओवर ये बार के नीचे क्या है आपके पास बेसिकली दो बार आप क्या लगा दोगे नाइन और इस टू की जगह आप क्या लगाओगे एक लगा था। था? तो इस तरह से आप इसको क्या करते हो कैलकुलेट करते नेक्स्ट जो है वो फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन निकालू तो टू मल्टीप्लाई बाई थ्री जो है वो क्या होता है, uh, के बराबर होता है. अब मैं इसको कहता स्क्वायर प्लस मैं इसको लिखता हूं बेसिकली थ्री वाय थ्री बड़ा है ना माइनस टू वाय थ्री वाई मैंने पहले लिखा थ्री में से टू को माइनस करो तो y बचता है वो प्लस का बचेगा जिसका मतलब है वैल्यू के ऊपर फर्क नहीं आया आगे मैं लिख देता हूं माइनस सिक्स अब मैं इन दो के फैक्टर्स अलग अलग कर देता हूं y को मैं कॉमन लूंगा ये आएगा मेरे पास y प्लस थ्री क्योंकि y तो बाहर आया हुआ है थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री वाई बन जाएगा फिर मैं यहां पे माइनस लिखता हूं टू को मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आएगा वाई ये माइनस का है तो मैं यहां पर प्लस थ्री लिख रहा हूं क्योंकि तो प्लस माइनस माइनस हो तो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो अब इसके दो फैक्टर्स आए हुए एक आया हुआ है मेरे पास वाई प्लस थ्री और दूसरा आया हुआ है वाई माइनस टू वाई प्लस थ्री एंड वाई माइनस टू एक वाई माइनस टू और दूसरा क्या है वाई प्लस थ्री तो हम यहां पर देखते हैं यहाँ पर कहीं पे माइनस टू तो मेरा जो अल्फा है बेसिकली वो क्या क्या था 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 सही सही जवाब 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 ये ये नहीं नहीं हो सकता मेरा ये नहीं आ रहा। Then, वाई प्लस वाई टू, आपका क्या होगा सही होगा अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज ऑफ़ वही फार्मूला इसने बेसिकली एवरेज से रिलेटेड बहुत सारे सवाल दिए हुए थे इस पेपर के अंदर एवरेज जो है वो थर्टी है नंबर का सम हमने मालूम करना है नंबर सिक्स है सिक्स इधर डिवाइड हो इधर मल्टीप्लाई होगा 6, 3, 0, 18 तो इसका मतलब है ये सिग्मा एक्स जो है वो वन एटी के बराबर हो जाएगा अब वो कहता है तो चार नंबरों की कैलकुलेट करें चार नंबरों की पच्चीस है

अब इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड है क्योंकि देखें टोटल नंबर तो छे थे पहले चार नंबर ये हो गया दूसरे तीन ये हो गए तो टोटल तो सात नंबर आ रहे हैं तो हमने उस एक नंबर को चौथे नंबर को जब इसमें से निकालेंगे तो वो हमारा फोर्थ नंबर निकल आएगा जो बार बार रिपीट हो रहा है दोनों में डन अब देखिए मैं इन दोनों को जमा करता हूं हंड्रेड प्लस वन ओ फाइव तो मेरे पास बनेगा दो सौ पांच अब ये दो सौ पांच वो है जिसमें एक नंबर एक्स्ट्रा घूम रहा है उस 205 में से मैं इस 180 को माइनस कर देता हूं 180 को 5 वैसे आ जाएगा 10 10 में से 8 को माइनस करूं 2 1 में से 1 क्या हो जाएगा 0 तो 25 वो नंबर था जो दो बार रिपीट हुआ था या चौथा नंबर जो था वो हमारे पास क्या था 25 तो आपका अल्फा ऑप्शन जो है वो क्या होगा ठीक होगा अच्छा जी मैथ के वाले से लास्ट क्वेश्चन इनमें से, से, इन से विनिंग कौन सा ये तीसरा जिसने कितने लिए हैं ग्यारह हजार छह सौ अट्ठाइस वोट लिए हैं अब वो कहता है टोटल वोट्स में से इसकी परसेंटेज क्या है सिंपल परसेंटेज का सवाल है टोटल का मतलब ये है कि हम अलेवन सिक्स ट्वेंटी एट में ऐड करेंगे सात हजार छ सौ छत्तीस और अलेवन थर्टी सिक्स इन सब को हम क्या करते हैं एडअप करते हैं एट प्लस सिक्स फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी टू कैरी हो जाएगा थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट प्लस टू क्या हो जाएगा हमारे पास टेन वन कैरी हो जाएगा सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन प्लस वन 14, फिर फिर हो 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 जाएगा 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 क्या तो ये वो दो हजार चार सौ है वो कहता है कि इसकी परसेंटेज निकालें कि उसमें से ग्यारह हजार छह सौ विनर ने कितने परसेंट वोट लिए अलेवन थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी एट को हम टोटल जो है वोट्स के ऊपर मल्टीप्लाई भाई हम क्या करेंगे उसकी हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके टोटल जो है ना बेसिकली वोट्स निकल आएंगे अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो आपका जवाब आता होता है फिफ्टी सेवन परसेंट आपके यहाँ पर किसी ऑप्शन में फिफ्टी सेवन परसेंट नहीं था तो इसका जो जवाब है वो बेसिकली क्या बनेगा नन ऑफ दिज बनेगा ये तो बेसिकली हमारी इंग्लिश और मैथमेटिक्स uh, के ऊपर वीडियो थी होपफुल आप सबके लिए ये प्रोडक्टिव रही होगी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा फी महान अल्लाह हाफिज